हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वंस अगेन दिस इज प्रोफेसर दानी खंडेलवाल एंड लाइव फ्रॉम मुंबई। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ एक पॉइंट शेयर करना था। पहले मैंने क्या किया था, जो दानी की कॉस्टिंग है उसको ट्रेडमार्क के लिए मैंने रजिस्टर्ड किया था, और आज वो दिन है कि अपने को रजिस्टर्ड होके अपना ट्रेडमार्क मिल गया है। तो नाउ फ्रॉम टुडे वी कैन ऑफिशियली यूज़ दानी की कॉस्टिंग एज ए ब्रांड नेम। ओके, एंड आपके दानी की कॉस्टिंग के जैसे कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच दानी को दानी की कॉस्टिंग बनाने के लिए। ओके, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। ओके, सो वील कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर 6 फ्रेंड्स, लीवरेजेस। एंड वापस से वही सेंटेंस कि जीवन जितना सादा रहेगा टेंशन उतना आधा रहेगा। तो आप जितना हो सके आप सादा रहिए, राइट। लोग जज करें तो आपको आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री से जज करनी चाहिए, राइट, ना कि आपके घड़ी अंगूठी या आपके कपड़े गाड़ी से नहीं, आपकी डिग्री आपकी नॉलेज से होनी चाहिए। लीवरेजेज में मैंने आपको लास्ट टाइम तक बताया था, अपने 3 फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किए थे फ्रेंड्स। पहला था अपना, दिस इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेजेज, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपका पहला था। दूसरा अपन ने किया था फ्रेंड्स, दिस इज DFL, दिस इज EBIT डिवाइडेड बाय योर EBT, और तीसरा आपका था फ्रेंड्स डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, EBIT कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स। इसके अलावा मैंने आपको 3 और फॉर्मूला दिए थे, दिस इज और 3 फॉर्मूलाज। पहला था TOL इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दूसरा अपना था DFL, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाई परसेंटेज इन EBIT, और DCL आपका EBIT कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, ये आपका था, ठीक है, याद आ रहा है। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था DOL, DFL, DCL, DOL, DFL, और उसके अलावा जो मेरी मास्टरी वाला था वो था आपका फ्रेंड्स क्या, DKC, दानी की कॉस्टिंग के हिसाब से, राइट। वो क्या था फ्रेंड्स, DKC के हिसाब से, इट मीन सेल्स यू कैन डिवाइड इन टू, वन इज ए BEP, वन इज ए MOS, बराबर। अगर आपका सेल्स 1 है, ये आपका 0.75 है, ये आपका 0.25 है, राइट, ये 0.25, ये और ये। अगर आपको DOL चाहिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.25, इट मीन्स सेल्स डिवाइडेड बाय MOS आपका क्या आ जाएगा, 4। ये भी अपना एक तरीका हो सकता है, ठीक है। आज अपन बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को आज अपन डिस्कस कर लेंगे, होप। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, आपके पास मेरा बुक होना चाहिए, जो ICI का जो मॉड्यूल है वो मैंने अपने फॉर्मेट में आपको सॉल्व करके दिया है, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप करिए, मेरा डायरेक्ट नंबर है 9820030925। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और अगर आप मुझे राधे राधे लिख देंगे तो भी मुझे समझेगा, या आप FM का मॉड्यूल मांगेंगे इंटर का तो भी मुझे समझ जाएगा, राइट। राधे राधे इज योर कोड, जैसे ही आप राधे राधे लिखेंगे 9820030925 आप मुझे व्हाट्सअप करिए, और मैं आपको FM का जो मॉड्यूल है, जो मैंने ICI मॉड्यूल है जो FM का है, वो अपने फॉर्मेट में, मतलब क्वेश्चन हम लोगों ने वहीं से लिए हैं लेकिन सॉल्व मैंने अपने फॉर्मेट में कर दिया, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस, राइट। तो सबसे पहला आप ले लीजिए, दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड पेज नंबर 6.1,
इलस्ट्रेशन वन पेज नंबर 6.1 रीड कर लीजिए. ए कंपनी प्रोड्यूसर्स एंड सेल्स 10,000 नंबर ऑफ शर्ट्स. कितना सेल करने वाली है? 10,000. द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 500, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 200 पर शर्ट एंड द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 25 लाख. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी जैसे हम कॉस्टिंग में करते थे ऐसे यहाँ पे करेंगे. चाहे एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से घुमाए, एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से घुमाए, हमको घूमने का नहीं है. हमको जो भी इंफॉर्मेशन है यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म. अपन करते थे ना कॉस्टिंग में, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म अपना क्या रहेगा, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द इनकम स्टेटमेंट. ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग इनकम. ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपका एट प्रेजेंट आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, सेल्स. व्हाट इज द सेल्स? 10,000 नंबर्स इनटू 500 एंड दिस कम्स टू रुपीस 50 लाख. ऑल फिगर इन रुपीस, ठीक है. लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका, 200 रुपीस. 10,000 नंबर्स इनटू 200 दिस कम्स टू 20 लाख, ठीक है. आपको क्या आएगा फ्रेंड्स, योर कंट्रीब्यूशन 30 लाख लेस योर फिक्स्ड कॉस्ट. और आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना दे रखा है, 25 लाख, ठीक है. आपको आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड दिस कम्स टू 5x. इज दिस क्लियर होना फ्रेंड्स? क्लियर हो रहा है आपको? सबसे पहले देखिए आप, आपको क्या दे रखा है, 10,000 नंबर्स एट द रेट ऑफ 500 आपका सेल कितना हो जाएगा रुपीस, ये रुपीस में है. ऑल फिगर्स इज 50 लाख. वेरिएबल कॉस्ट 10,000 इनटू 200 एंड दिस कम्स टू 20 लाख. आपका कंट्रीब्यूशन आएगा 30 लाख. 25 लाख आपको फिक्स कॉस्ट दे रखा है और आपका डायरेक्टली आ जाएगा ईबीआईटी 5 लाख. सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आपको ये है कि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स का ये एक क्वेरी आता था पढ़ाने के टाइम कि सर हम लिखें या हम आपको सुने. तो अभी मैंने क्या किया है, जितने भी कॉस्टिंग के मेरे आ रहे हैं कोर्सेज, फुल कोर्स लो या आप लाइक यू नो दैट अपना LMR लो या अभी ये ICI मॉड्यूल FM का मैंने सॉल्व किया है, तो इसमें क्या है आपको सॉल्व करके दे दिया है. तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं. हाँ, छोटा मोटा पॉइंट अगर आपको कोई लिखना है तो आप ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन कॉन्सेंट्रेट 100% ऑन माई प्रेजेंटेशन कि मैं क्या कर रहा हूँ. सेम प्रेजेंटेशन आपको सॉल्यूशन बुक में दे रखा है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है. तो आपका पूरा ध्यान आपके यहाँ पे होना चाहिए. इज दिस क्लियर? स्टेटमेंट शोइंग क्या बनाया अपन ने, सबसे पहला इनकम स्टेटमेंट, मेरा सेल्स आ गया, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड दिस. अब अपने से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ए, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज. इट मींस दिस इज योर ए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता था बोलो, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT. वॉट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन? Contribution 30 lakhs rupees. And what is your EBIT? EBIT is 5 lakhs rupees. इसका मतलब आपका operating leverage होगा 6. Contribution आपका कितना है 30 lakhs rupees. EBIT आपका कितना है 5 lakhs rupees. आपका operating leverage होगा 6. अब आगे क्या बोल रहा है, If sales are up by 10%. याद करो जादू, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, राइट, लीवरेजेस के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपका सेल्स 10% से बढ़ रहा है और आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज है 6, इसका मतलब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, आपका EBIT कितने से बढ़ जाएगा, 60%. कैसे? सेल्स आपका कितने से बढ़ा,
सेल्स आपका बढ़ा 10% से इंटू 6 DOL, ये इक्वल टू आपका क्या आएगा फ्रेंड्स, दिस इज योर EBIT एंड दिस कम्स टू 60%। कितने से बढ़ जाएगा आपका 60% सेल्स एंड दिस इज DOL एंड 60%। यू कैन वेरीफाई ऑल्सो राइट। पहले अपन देखते हैं, देखो पहला सेल था 50 लैक्स, 50 से अभी सेल्स कितना हो जाएगा मेरा, मेरा सेल हो जाएगा 55 लैक्स। 10% से बढ़ गया ना फ्रेंड्स, इंक्रीज बाई 10%। तो अगर ये बढ़ा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, कॉस्टिंग में करते थे ना, कितना हो जाएगा 22 लैक्स राइट। ये मेरा हो जाएगा 33 लैक्स लेस 25 लैक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 लैक्स। सही है, सुनो समझ में आ रहा है, सेल्स कितने से बढ़ गया 10%, वेरिएबल कॉस्ट 10%, कंट्रीब्यूशन आ गया 25 लैक्स 8 लैक्स है ना। अगर सो इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन EBIT। ये आपका हो सकता है आंसर नंबर बी, यहीं पे डायरेक्टली आप आंसर बी ये भी कर सकते हैं। कभी कभी आपके पास एग्जाम में अगर टाइम नहीं है, कभी कभी वो एग्जाम में रहते हैं ना सिचुएशन, वो आपको बोलती है कि टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट राइट। आपके पास टाइम नहीं है, पूरा इनकम स्टेटमेंट ये वाला बनाने का आपके पास टाइम नहीं है, आपका इनकम स्टेटमेंट बनाने का आपके पास टाइम नहीं है राइट। जब आपके पास टाइम नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है सेल्स और ये जादू मैंने आपको सिखाया था 6 और ये आपका हो जाएगा 60%। इज दिस क्लियर ऑन नोट फ्रेंड्स? ओके, तो क्या होता है DOL? दूसरा अगर अपन देखें DOL क्या होता है फ्रेंड्स, आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन EBIT? आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड परसेंटेज इन 0.10 आपका ये आपका आ जाएगा 0.6 इंटू 100 से करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 60%। ये आपके 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये दोनों आपके हो गए। अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप ये सिंपल तरीके से जाइए, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप ये कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है आप ये कर सकते हैं। ये दोनों आपके पार्ट थे ए और बी, और ये दोनों के दोनों पार्ट मैंने आपको करके बता दिए। अब फ्रेंड्स आता है जो सबसे, जो पहले आप ये बताइए यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा पार्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करके ना, ये आपको क्लियर, एक सम मैं आपको करूंगा, मेरा गारंटी है कि बाकी के सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब अपन चलते फ्रेंड्स, सपोज इसी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि डू नॉट यूज फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला उसको मालूम है, आपको पता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। वो आपको बोलता है कि ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है, और इसके बिना सेम क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, आपको बताना है DOL। अगर आपको देखना है ना, यू शुड बी वेरी वेरी थैंक्सफुल टू सोनू जैन, केम्स कॉर्नर की जो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है सोनू जैन, आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे ग्रुप 1 में, लेकिन ग्रुप 2 में वो फेल हो रही है बिकॉज ऑफ FM। वो बोली थी कि सर जो भी टीचर्स है वो सिर्फ जो दे रखे फॉर्मूला उसके हिसाब से करा देते हैं, कुछ लॉजिक नहीं कुछ नहीं, एंड दे आर लाइक यू नो दे आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड लाइक यू नो दैट दे आर फ्रॉम लाइक यू नो CA बैकग्राउंड, वो लोग कुछ अलग डिग्री वाले हैं और हमने उनसे क्लासेज ले ली और अभी हमको समझता ही नहीं है कि हम क्या करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड्स मैंने क्यों बोला, मैंने आपको क्या बोला कि नहीं, पहला आप मेरा कॉस्टिंग का पूरा रिवाइज करिए तब आप ये FM कर पाएंगे। अब उसका क्या यूज है आप जरा देखिए करके ना, अब आपको समझ में आएगा कि दानी सर की क्या मेहनत है। आप उन झमेलों में मत आइए, कलरफुल बुक होना चाहिए, ये होना चाहिए, एमिनेशन होना चाहिए, वो कुछ नहीं,
सिंपल बुक, आपका ICI मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए अगर आपको पास होना है, अगर आपको स्कोर करना है, आपके पास क्या होना चाहिए, ओनली ICI मटेरियल। दूसरा कोई मटेरियल कभी भी आपको रेफर नहीं करना है। अगर आपको ये वाला पॉइंट किसी की हिम्मत नहीं है कि विदाउट ये फॉर्मूला के ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दे, एक्सेप्ट DKC। और DKC का वही स्टूडेंट समझ पाएगा जिसने कॉस्टिंग DKC से लिए, कॉस्टिंग का एक एक कंसेप्ट बराबर से समझाए, वो कैसे करेंगे देखिए जरा। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि सेल्स, याद है आपको, पता ही है कौन से टॉपिक में था ये सेल्स, सेल्स डिवाइड इन टू BP, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप ये कौन से टॉपिक में था, एंड MOS, याद आ रहा है आपको, सेल्स डिवाइड इन टू BP एंड MOS, बराबर है। फिर मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था कि DOL इक्वल टू आपका हो जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय MOS। अब ये चीज, ये जो फॉर्मेट है, ये अपना जो चार्ट है, चार्ट नंबर टू, याद है आपको मार्जिनल में अपन करते थे, अगर याद है तो लिखिए मार्जिनल कॉस्टिंग, यस करके लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट, BEP एंड MOS। अब देखिए कैसे निकालेंगे आपको, देखो आपका सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 500 रुपीज, से या सुनो, आपका वेरिएबल प्राइस आपको दे रखा है 200 रुपीज, एक पीस आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, आपका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 300, याद है, ये अपना रहता था चार्ट नंबर वन, किस में, किसके अंदर आता था ये अपना रहता था चार्ट नंबर वन, ये अपना क्या था, चार्ट नंबर वन, वेरिएबल प्राइस कंट्रीब्यूशन, राइट। अब इसी से हम क्या निकालते थे, बोलो PV रेशियो, व्हाट इज PV रेशियो, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज माय सेल्स, माय कंट्रीब्यूशन इज 300, माय सेल्स इज 500 इंटू 100, एंड ये 60% आपका क्या होगा, 60% आपका होगा PV रेशियो, 60% आपका क्या होगा PV रेशियो, सही है, सुनो फ्रेंड्स, अब अगर 60% आपके पास PV रेशियो है, तो जो लोग दानी की कॉस्टिंग से फटाक से BEP निकाल सकते हैं, बोलो BEP कैसे निकालते थे अपन, BEP डिवाइडेड टू, वन इज ए वेरिएबल कॉस्ट, वन इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू योर फिक्स कॉस्ट एंड योर प्रॉफिट, व्हाट योर प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो, फिक्स कॉस्ट आपका कितना है 25 लाख, इसका मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए 25 लाख, याद आ रहा है सबको, DKC स्टूडेंट फटाक से लिखिए, यस याद आ रहा है, 60%, इसका मतलब 25 लाख डिवाइडेड बाई 60 × 100, आपका BEP क्या आएगा 25 लाख डिवाइडेड बाई 0.6, एंड दिस कम्स टू 41,66,666.67, 41,66,666.67, ये आपका क्या आएगा BEP। बाकी के जो DKC फ्रेंड्स नहीं है उनको भी याद होगा BEP हम लोग कैसे निकालते थे, बोलो आप लोग कैसे निकालते हो BEP, वी तो डोंट यूज एनी फॉर्मूला इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट्स वाई द पीपल से इट्स अ दानी की कॉस्टिंग, राइट। आप मुझे बताइए इंडिया में किसी भी पर्सन के नाम पे एक डेफिनेशन तक है क्या, आपने जैसे पढ़ा होगा ना प्रोफेसर एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ऐसे कभी आपने किसी के नाम से देखा कि सोनू जैन के नाम से ये डेफिनेशन है, राइट, नहीं है। मैंने तो पूरा सब्जेक्ट बनाया है और अब तो अपना रजिस्टर्ड भी हो गया, ट्रेडमार्क ऑफिशियली, वी कैन से इट्स दानी की कॉस्टिंग, नो डाउट, कल को फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपने को नोटिस भी आ सकता है, बोलेंगे हाउ कैन यू से कि दानी की कॉस्टिंग इज योर्स कॉस्टिंग, तो एक्चुअली अपन ने उनका कॉपी किया, वो जो पढ़ाते हैं वही तो अपन करते हैं। कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि कोई अगर अपने से पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड मॉडर्न कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड मॉडर्न कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था ना, बताओ एग्जांपल कौन सा था, कि फोर फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर डिनर, चार दोस्त लोग हैं, अगर वो डिनर करने जाते और 4,000 का बिल आता है, चार दोस्त लोग हैं अगर वो डिनर करने जाते हैं और 4,000 का बिल आता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि 4,000 डिवाइडेड बाई 4, हर जन कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1,000, ये क्या था ट्रेडिशनल मेथड, 4,000 का बिल आया, होटल में खाना खाने गए, चार दोस्त थे, एक जन कितना पे करेगा 1,000,
लेकिन सपोज आउट ऑफ दिस 4,000 रुपीज 2,000 आपका लिकर का बिल है, 2,000 रुपीज का आपका दारू का बिल है एंड 2,000 आपका खाने का बिल है। खाना 4 लोगों ने खाया है और दारू खाली 2 लोगों ने पी है, क्या एलोकेशन करेक्ट है? आंसर इज नो। जिसने दारू नहीं पी है हम उसको बोलेंगे नेक्स्ट टाइम चल डिनर करने चलते, तो क्या बोलेगा? नहीं नहीं मारी तो मासी ने थी, पार्टी चहू नहीं आऊँ। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम लोग एलोकेशन बराबर नहीं करते हो। आप मुझे बताइए एलोकेशन बराबर क्या होगा? इट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस देर आर टू एक्टिविटीज, वन इज ए लिकर एंड वन इज ए फूड। फूड कंज्यूम्ड बाई 4%, इट मीन्स 2,000 डिवाइडेड बाई 4, हर जन कितना देगा? 500। लिकर कंज्यूम्ड बाई 2%, इट मीन्स 2,000 डिवाइडेड बाई 2 इज कम्स टू 1,000। तो जिसने खाना खाया है वो ओनली 500 देगा, जिसने दारू पिया है खाना खाया है वो 1,500 देगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अपन ने क्या किया, वाई पीपल से दाने की कॉस्टिंग की, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम ये जो मैं एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ अदर देन डीकेसी आपको कोई भी नहीं सिखा सकता ये बात, क्योंकि जो SFM के टीचर, जो FM के टीचर है वो लोग को फाइनेंस का नॉलेज है लेकिन उनको कॉस्टिंग की ट्रिक्स नहीं मालूम है। और एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में ये ट्रिक्स आती है करके कि उसने लिख दिया कि एक नोट लिख दिया ऐसी क्वेश्चन में कुछ इलस्ट्रेशन वन में कि डू नॉट यूज फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? DOL इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। मेरा ओपन चैलेंज है, आप लाइब्रेरी में फ्रेंड्स को पूछना कि बिना फॉर्मूला के करके देखा, वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो लोग का गलती नहीं है, वो लोग ने जो ट्यूटर सेलेक्ट किया है वो FM वाला किया है और FM वाले को कॉस्टिंग का नॉलेज नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले आप पूरा कॉस्टिंग का थॉरोली कंप्लीट करो, उसके बाद आप FM पे आ जाइए, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा था कि जो लोग हमारा कॉस्टिंग फॉलो नहीं करते हैं वो फॉर्मूला बाय हार्ट करते हैं और रात दिन वो फॉर्मूला ही बाय हार्ट करते रहते हैं। तो वो फॉर्मूला के हिसाब से उनके हिसाब से क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशो, ठीक है? व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट आपका 25 लाख, PV रेशो आपका 60% एंड दिस कम्स टू 41,666.67। अब आपका टोटल सेल्स, आपका टोटल सेल्स क्वेश्चन में कितना था बोलो? 50 लाख। देखो जरा दे रखा ना 10,000 × 500, 50 लाख। 50 लाख में से अगर आपका BEP ये है तो माइनस 50 लाख आप कर दीजिए, आपको क्या आएगा फ्रेंड्स? इस 8,33,333 ये आपका हो गया 1। अब इसका प्रोपोर्शन क्या हो गया, 8,33,333.33 डिवाइडेड बाई 50 लाख, इट मीन्स डिवाइडेड बाई 50 लाख आपका आएगा 0.16। और मैंने आपको क्या बताया था, DOL इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.16। तो 1 / 0.16 आपका क्या आएगा, 1 / 0.166666 पूरा ले लीजिए ये, तो आपका क्या आ जाएगा, दिस कम्स टू 6। आप देखिए क्वेश्चन में क्या आएगा, आपको 6 मिलेगा कि नहीं। ये कौन सिखा सकता है? ओनली DKC। नाउ DKC इज रजिस्टर्ड। ये कौन सिखा सकता है? वो ये सिखा सकता है DKC। जैसे ही एग्जामिनर आपका ये पार्ट देखेगा, अगर उसने क्वेश्चन में डाल दिया कि डू नॉट यूज पीवी रेशो या डू नॉट यूज फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? DOL इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। जैसे ही वो आपका ये सॉल्यूशन देखेगा वो आपको 100 में से क्या मार्क्स दे देगा, 100। उसको मालूम है यार संसार में जिनका इतना नाम है उनका स्टूडेंट अगर ये FM का आंसर कर रहा है तो मैं क्या क्यों पीछे करूँ, आपको ऐसे 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 आंसर करके फुल मार्क्स दे देगा और बीवी को अपनी को फोन करेगा, I wanted to give you treat because it's a Valentine month. बोले why? What happened? बोले I have seen today, जिनका संसार में इतना नाम है उनके स्टूडेंट का आज मैंने कॉपी देखा, FM का कॉपी देखा, मेरे को पता है YP तो मेरी स्टूडेंट, बोलेगी यस यस यस, जब तक समुंदर में पानी रहेगा कॉस्टिंग FM में प्रोफेसर दानी रहेगा, जैसे मोम की मोम होती है नानी, लाइफ के लिए जरूरी है पानी, ऐसे कॉस्टिंग FM में प्रोफेसर दानी। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी समझना है। आई थिंक आपको ये सेल्स को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं,
BEPMOS, BEP के लिए पहले PV रेशो, PV रेशो से BEP, जो स्टूडेंट हमारे नहीं है वो फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं, जो हमारे हैं वो चार्ट नंबर वन यूज करके BEP निकालेंगे, BEP को यहाँ पुट करेंगे, बाकी का MOS, MOS और सेल, सेल्स को आप MOS से डिवाइड करेंगे, आपको क्या आएगा फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेजेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई इतनी दीवानगी क्यों है, लोग क्यों बोलते हैं दानी की कॉस्टिंग, अरे जो मॉड्यूल में लिखा है अगर हम वो एग्जिटिव, जितने भी प्रोफेसर हैं आप देखिए मेहनत ही नहीं करते हो, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने अपने हाथ से एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है मेरी हैंडराइटिंग में, आपको कैसे मेरी हैंडराइटिंग पता चलेगी, हमेशा कैपिटल में लिखता हूँ, कहीं पे भी आप देखिए एक एक क्वेश्चन को लेके कट पेस्ट करके ICI के, और मैंने कुछ भी इसको कलरफुल बनाना, इसको वैसा एनिमेशन के साथ बनाना, ये अरे डिस्टर्ब नहीं करना है, CA स्टूडेंट को शांत होके पढ़ना चाहिए, चुपचाप जो मॉड्यूल आपको दे रखा है, ICI के जो RTPs हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं या पास है गया, इसके बाहर कुछ आपको इंटरमीडिएट को करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डिटेल में कराऊंगा फाइनल CA FM में एक एक चीज, यहाँ पे आपको टेक्निकल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई मैं कैसे मैक्स टू मैक्स स्कोर करूँ, इज दिस क्लियर ऑर नॉट फ्रेंड्स, ओके तो प्लीज़ आप ये हमारा जरूर फॉलो करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि भाई देखो एक ये भी है, लाइब्रेरी में आप पूछिए आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा व्हाई पीपल आर नॉट स्कोरिंग इन दिस करके, क्यों सोनू जन को मालूम है, बोले सर सर ने एक बार अगर जिम्मेदारी ले ली तो अपना जबरदस्त तरीके से FM होगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके सो इज दिस क्लियर, आपको सब कुछ अपने दे रखा है, ये वाला पार्ट आप कॉपी कर लीजिए, ओके ये आपको कब यूज करना है, अगर उसने बोला है कि डू नॉट यूज द PV डू नॉट यूज द फॉर्मूला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ओके सो आपका क्या हो गया, अगर अपन को इस तरह से निकालना है तो BEP डिवाइड सेल्स सेल्स डिवाइड इन टू योर BEP योर MOS बराबर है, अगर आपका ये 1 है, ये आपका 0.75 है, ये आपका 0.25 है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको निकालना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो क्या करेंगे आप MOS से आप सेल्स को डिवाइड कर दीजिए, 1/0.25 एंड दिस कम्स टू आपका ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा 4, अगर आपका ऑपरेटिंग लीवरेज 4 है और आपका सेल्स 10% से बढ़ रहा है, आप EBIT बोलो 40% लिखो कमेंट बॉक्स में, कितने से बढ़ेगा 40%। सेकेंड क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल है, इलस्ट्रेशन 2 एंड दिस इज योर पेज नंबर 6 इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 6.3। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना आप क्वेश्चन को रीड करने में लगाइए, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइसेस एंड कॉस्ट डाटा। आपके पास 4 प्रोडक्ट हैं ABCD, उसका सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है फ्रेंड्स इज ₹20 फॉर ए, 32 पर यूनिट फॉर बी एंड 50 फॉर सी एंड 70 फॉर डी, ये आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है पर यूनिट, ठीक है। फिर आपको दे रखा है वेरिएबल प्राइस पर यूनिट, आपका वेरिएबल प्राइस पर यूनिट दे रखा है 6, देन 16, 20 एंड 50, ओके एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है आपकी 5000 इन ईच केस, 5000 यूनिट्स आपको दे रखे हैं, 5000 एंड 5000। आई होप आपके पास मेरा ICI का मॉड्यूल है 5000। उसके अलावा आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 60,000 इन केस ऑफ ए, 40,000 इन केस ऑफ बी
वन लेग इन केस ऑफ सी एंड यहाँ पे नील। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट कैलकुलेशन कैन यू ड्रॉ विद रेस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज रिजल्ट एक्सप्लेन एज्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज 5000। देखिए आपके पास दे रखा है ए बी सी डी सेलिंग प्राइस है आपके पास। सॉल्यूशन बुक में देखो 60 ये आपका नंबर ऑफ यूनिट्स है 5555। सो 5000 into 20, 5000 into 32, 5000 into 50 and 5000 into 70 ये आपका सेल्स आ जाएगा। 5000 into 6 वेरिएबल कॉस्ट, 5000 into 16 वेरिएबल कॉस्ट, 20 वेरिएबल कॉस्ट एंड 50 वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसमें आपको सेल्स माइनस सेल्स, सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे आपको क्या आ जाएगा बोलो, कंट्रीब्यूशन एंड लेस फिक्स कॉस्ट आपको क्या आ जाएगा ईबीआईटी, वही आपको दे रखा है। कंट्रीब्यूशन है लेस फिक्स कॉस्ट 60,000, 40,000, 1 लाख ईबीआईटी, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000 7, 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 2, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 3 एंड 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज 1। द ऑपरेटिंग लीवरेज एक्सिस्ट ओनली व्हेन देयर इज आर फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज क्या आएगा, 1 आएगा करके ना। तो जो परसेंटेज आपका सेल्स चेंज होगा उतने ही परसेंटेज से आपका ये चेंज होगा, आपको कोई लीवरेज नहीं मिलेगा। लीवरेज आपको बिजनेस में कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, जितना आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो लगेगा अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन, है ना। इन द केस ऑफ फॉर्म डी देर इज नो मैग्निफाइड इफेक्ट ऑन ईवीआईटी ड्यू टू द चेंज इन सेल्स। ए 20% इंक्रीज इन द सेल्स हैज रिजल्टेड 20% इंक्रीज इन ईवीआईटी, क्योंकि आपका डीओएल क्या आ रहा है, आपका डीओएल आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईवीआईटी। आई एम टॉकिंग अबाउट डी प्रोडक्ट, बराबर। यहाँ पे आपको दे रखा है 1 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1 लाख ही आपका ईवीआईटी है, इसका मतलब 1। अब अगर आपका डीओएल 1 है, डीओएल 1 है, तो जितने परसेंटेज 1% से आपका सेल बढ़ेगा तो 1% से आपका ईवीआईटी बढ़ेगा, आपको कोई लीवरेज नहीं मिलेगा। ठीक है, देन इन द केस ऑफ अदर फर्म्स ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जिस्ट एंड देन इट इज मैक्सिमम इन ए followed by firm C and minimum B. The interpretation of DOL of 7 is that 1% change in sales results 7% change in EBIT level in the direction of change level of sales of firm A. तो ठीक है, फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था, DOL आपको दे रखा है, DOL है आपका 7, किसका, A का। तो अगर आपका 1% से सेल चेंज हुआ तो ये तो अपन ने डिस्कस किया ही था ना, तो 7% से आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन ईवीआईटी। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप जरा देख लीजिए। नाउ यू कम टू वेरी अच्छा एक क्वेश्चन दे रखा है, इलस्ट्रेशन 3, दिस इज इलस्ट्रेशन 3 एंड योर पेज नंबर 6.4, इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 6.4 डीकेसी फॉर्मेट में जो मैंने आपको आईसीआई मॉड्यूल दिया है आप वो निकालिए, आईसीआई मॉड्यूल आप निकालिए, बिल्कुल आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे प्रोफेसर टाइम पास करेंगे, उलझल उल बातें, कुछ नहीं, यू जस्ट काम शांति से 1 आवर ही भी आपको देखना है, 1 आवर के ज़्यादा मैं कभी भी आपको सिखाऊंगा नहीं, 1 आवर आपको प्रॉपरली देखना है, 1 आवर के बाद टेक द ब्रेक एंड देन फिर कम टू न्यू, है ठीक है। अब आप आ जाइए एक एक पॉइंट, लेकिन आपको पसंद है ना फ्रेंड्स, मैं आपको अल्टरनेटिव तरीके से भी सिखाऊँ ना, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके और क्या क्या वेज हो सकते हैं, करूँ ना फ्रेंड्स से, यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, यस और नो करके ना आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, यस और नो लिख के। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3, अब देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ो। ए फॉर्म डिटेल्स आर एज अंडर सेल्स 100 रुपीज पर यूनिट एंड 24 लाख का सेल है, वेरिएबल कॉस्ट 50% है, फिक्स कॉस्ट आपका 10 लाख है, इट हैज बोरोड 10 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख एट द 100। ठीक है, तो आपका सेल्स है, आपका वेरिएबल कॉस्ट है, आपको कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे ईबीआईटी आ जाएगा, इट हैज बोरोड 10 लाख एट द रेट ऑफ 10%। बताइए अगर 10 लाख का बोरो कर रखा है और इंटरेस्ट रेट 10% है, बताइए क्या रहेगा, क्या रहेगा बोलो,
क्या रहेगा बोलो, 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट कॉस्ट क्या आ जाएगा आपका बोलो, कभी भी 10 लाख का 10% रहेगा तो 1 लाख, जैसे 100 का 10% 10, 200 का 10% 10, सिमिलरली मम्मा को जाके बोलेगा मम्मा 100 का 10% दानी सर ने सिखाया 10, 200 का 10% 20, सिमिलरली 10 लाख का 10% इज 1 लाख बोलो, 20 लाख का 10% विदाउट कैलकुलेटर देखो आया 2 लाख, कमेंट बॉक्स पे लिखो नाइस, लिखो नाइस, जैसे मोम की मोम होती है नानी, लिखो कॉस्टिंग में प्रोफेसर, अभी तो एफएम में भी कॉस्टिंग एफएम में प्रोफेसर दानी। चलो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे फ्रेंड्स, इन्होंने पूछा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इफ द सेल्स इंक्रीजेज बाई 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी, वो भी अपन दोनों तीनों तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, इट मीन्स दिस इज स्टेटमेंट showing income, allow sales, कितना सेल आपको दे रखा है फ्रेंड्स, 24 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट विच इज 50%, 12 लाख हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलते रहिए आप लोग, कॉन्ट्रीब्यूशन 12 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख, इंटरेक्स 10 लाख का 10% 1 लाख, अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख, टैक्स 50%, बोलो विदाउट कैलकुलेटर 1 लाख का 50%, बोलो विदाउट कैलकुलेटर, डोंट यूज कैलकुलेटर, 50,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स 50,000 डिवाइडेड बाई, अगर आपको करना है एक्स्ट्रा में कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स, आप कितने शेयर हैं आपके पास, 10 लाख और 10 रुपीज, 100 रुपीज का एक है, 10 लाख डिवाइडेड बाई 100, 10,000, तो आपका EPS हो जाएगा is 5. This is a maximum जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो आप जरा देख लीजिए। पहला आपको सेल्स दे रखा है 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 12 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 12 लाख आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट 10 लाख, EBIT आपका 2 लाख, 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट, 1 लाख EBIT, 50% टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स 50,000, 10,000 एंड दिस कम्स टू 5. यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, क्लियर ये आपको दे भी रखा है, मैंने आपको बताया ना आपका मैक्सिमम बेनिफिट इसके अंदर क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन बुक दे रखा है, तो जो कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स रहेंगे वो आपको लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन आउट, से या सर, ठीक है। अब अपने से क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट ए, ए फॉर आपका ए, आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इट मींस कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन बोलिए, योर कंट्रीब्यूशन इज 12 लाख, योर ईबीआईटी इज 2 लाख एंड ये आपका आ जाएगा 6, ठीक है, DOL कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, राइट, देन बी, बी आपका क्या आएगा, फाइनेंशियल लीवरेज, इट मीन्स DFL, दिस इज योर
ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ओके। देन ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना है मेरा, से 2 लैक्स, और ईबीटी है मेरा 1 लैख। इसका मतलब ये आ जाएगा मेरा बीएफएल, मेरा आ जाएगा 2C DCL, इट मींस ईबीआईटी, ईबीआईटी कट जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा 12 लैक्स, बराबर। ईबीटी आपका कितना है 1 लैख। इसका मतलब डीसीएल आपका क्या होगा 12, और DOL इंटू DFL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू DCL, बराबर है। इट मीन्स ये आपका क्या था, DOL 6, DFL 2, एंड दिस कम्स टू 12। तो ये आपके हो गए आंसर नंबर A, B एंड C। ये आपका आंसर नंबर A हो गया, ये आपका आंसर नंबर B हो गया, ये आपका आंसर नंबर सी हो गया, बराबर है। सही है, सुनो फ्रेंड्स। और ऑल्टरनेटिव अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मजा आ रहा है, आप लिखो मजा आ रहा है, यू आर हैप्पी, लिखो आप मजा आ रहा है सर, एंजॉइंग, तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ। जो अगर उसने बोला है कि डू नॉट फाइंड आउट द ऑपरेटिंग लीवरेज बट डू नॉट यूज फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला वो बोलता है कि यूज नहीं करिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको कॉस्टिंग की मेरी याद आएगी, बाकी के बच्चे एग्जाम हॉल में देखते रहेंगे और आप बोलोगे नहीं सर मजा आ गया करें। अगर उसने बोल दिया कि डू नॉट यूज पीवी रेशो, क्या बोल दिया, डू नॉट यूज पीवी रेशो, फिर आपको मेरी याद आएगी करके, आप ये भी कर सकते हैं इन शॉर्ट करके ना, ये वाला पार्ट भी शॉर्ट में आप लिख सकते हो करके ना, 6 into 2, आर यू गेटिंग नॉट। तो ये आप क्या हो गए आंसर नंबर A, B, C। अब आगे आपको क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, आपको पूछ रहा है डी आंसर, राइट है, आपको क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, डी आंसर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बराबर। अब आपने सब तो ले लिया, आपके पास क्या बचा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट मींस आरओआई, ये आपका हो जाएगा डी पार्ट, राइट, ये आपका हो जाएगा डी पार्ट, आरओआई इट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हम आपको बताएंगे, एक आपका टॉपिक है, स्टार्टिंग का ही टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, रेशियो एनालिसिस, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करेंगे, रेशियो एनालिसिस कैसे अपन करेंगे, वो अपन को दे रखा है, रेशियो एनालिसिस, व्हाट इज रेशियो, रेशियो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रेशियो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रेशियो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेशियो, वन इज ए P&L अकाउंट रेशियो, वन इज ए बैलेंस शीट रेशियो, एंड वन इज ए मिक्स रेशियो, इफ बोथ द फिगर पिक्ड अप फ्रॉम P&L अकाउंट यू कैन से P&L अकाउंट रेशियो, इफ बोथ द फिगर पिक्ड अप फ्रॉम बैलेंस शीट यू कैन से बैलेंस शीट रेशियो, और इफ वन फिगर फ्रॉम P&L अकाउंट वन फिगर फ्रॉम बैलेंस शीट देन वी कैन से मिक्स रेशियो, और रेशियो के टाइम पे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा समझाना है, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, से 50,000, और आपका इक्विटी कैपिटल कितना है, क्योंकि बाकी सबको तो हमने शेयर दे दिया ना, 10 लैक्स, इसका मतलब दिस कम्स टू 5%, 50,000 डिवाइडेड बाई 10 लैक्स आप करिए, इंटू 100 आप करिए, 5% आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका आएगा ROI, ये वाला पार्ट आपको क्लियर है या नहीं, 10 लैक्स रुपीज का आपका क्या था, 10 लैक्स रुपीज का आपका क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, 10 लैक्स रुपीज का आपका क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड, 50,000 आपका ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, 5%, आर यू गेटिंग नॉट, ये आपका हो गया आंसर नंबर डी। अब इसी में ये क्या पूछ रहा है, इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाई 6 लैक्स व्हाट विल बी द न्यू ईवीआईटी, ओके, तो एकदम सिंपल कर सकते हैं, इफ सेल्स इंक्रीजेस बाई 6 लैक्स, दिस इज योर आंसर नंबर ई,
कितने से सेल इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स, सेल्स हो रहा है इंक्रीज 6 लाख से, तो 24 प्लस 6 इज 30 लाख, इसका मतलब कितने से सेल्स हो गया आपका इंक्रीज, ओके। देन 50% आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो बोलो बोलो विदाउट कैलकुलेटर बोलो, 30 लाख का 50% विदाउट कैलसी बोलो, सब लोग बोलो, लिखो सब लोग, 30 लाख का 50% विदाउट कैलकुलेटर, डोंट यूज कैलकुलेटर, 10 लाख, ये आपका आ जाएगा 5 लाख, ये आपका इंटरेस्ट एज इट इज रहेगा 1 लाख, ये आपका आ जाएगा 4 लाख, ये आपका हो जाएगा 2 लाख, और ये आपका हो जाएगा 2 लाख। तो क्या बोल रहा है, इफ द सेल्स इंक्रीजेज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू ईवीआईटी, आपका न्यू ईवीआईटी हो जाएगा 5 लाख, ये आपका हो गया आंसर नंबर ई। पहले आप इतना लिख लीजिए, बराबर सब तो लिखा हुआ है आपको, आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो मेरा सेल्स नया सेल्स कितना हो जाएगा 30 लाख। मेन बेनिफिट तो आपको ये है कि सॉल्यूशन तो आपके पास है, पहले क्या होता था स्टूडेंट का काफ़ी टाइम सॉल्व करने में ही चला जाता था, और मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे नहीं किया, आप हमारी बुक को कंपेयर करेंगे अदर्स के साथ, उन लोगों ने क्या किया है जो मॉड्यूल का सॉल्यूशन है एज इट इज लिख दिया है, मैंने उसको अपने फॉर्मेट में सिंप्लीफाइड वे में आपको बताया, ओके। 30 लाख रुपीज सबका सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट 15 लाख है, कॉन्ट्रीब्यूशन 15 लाख है, आपका फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, ई बी आई टी 5 लाख है, इंटरेस्ट 1 लाख है, 4 लाख है, 2 लाख है, इतना तो पूछा भी नहीं है अब किसी, तो यहीं तक पूछा है, ओनली दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट। तो ये आपके आंसर हो गए ए बी सी डी ई, सारे आंसर आपके हो गए सही है, सुनो आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा वो आप मुझे बताइए। अब आपको मैं दिखाता हूँ जादू वाला पार्ट, ना जादू वाला पार्ट बताता हूँ आपको, हाँ बोले थे ना सर जादू वाला पार्ट बताओ, देखो अगर एग्जाम में वो लेडी आपको बोल रही है टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, क्या करोगे आप, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट आप बनाओ, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि ये वाला स्टेटमेंट आप बनाओ, पूरा टाइम नहीं है इतना, वो अल्लाह करती ना एग्जाम में आती है ना टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, बराबर आपके पास उतना टाइम नहीं, तो क्या कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, और डी ओ एल होता है परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, आपका डी ओ एल अपन ने निकाला था वो क्या दे रखा था 6, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स का मतलब हो गया 6 लाख का सेल चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाई 24 लाख, इट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 24 एंड दिस कम्स टू 0.25, और ये आपको निकालना है ईबीआईटी, इज दिस क्लियर ऑन ऑर्डर, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, डीओएल हमारे पास है 6 और ये हमने निकाल लिया 6 लाख का है, 24 का हमारा पुराना सेल्स था, 0.25 से बढ़ गया, 0.25 को मल्टीप्लाई किया भाई, 0.25 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 0.25 दिस कम्स टू 1.5, और वापस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनटू 100, तो आपका सेल, आपका जो ईबीआईटी है वो 150% से बढ़ना चाहिए, आपका जो ईबीआईटी है वो कितने से बढ़ना चाहिए 150% से, अगर वो बोल रही है एग्जाम में कि टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, तो आपको ये करना है,
आर यू गेटिंग नॉट फ्रेंड्स, थायो सप्लीमेंट फर्स्ट अगर वो आपको हल्ला कर रही है तो आपको ये मेथड से भी आप कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा, आपका आंसर यही रहेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सही है सोनो फ्रेंड्स, ओके। अब आप देखिए कितने से बड़ा आपका दो, दो की जगह कितना हो गया 5 लाख, कितने से बढ़ गया, इसका मतलब दो की जगह आपका कितने से सेल बढ़ा, और ये देखो वेरीफाई कर सकते हैं आंसर, अगर कोई पॉइंट्स आपको ऐसे लगते हैं जो नहीं है सॉल्यूशन में वो लिख सकते हैं आप करके ना। अब देखो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इट मीन्स 5 की जगह क्या हो गया 8 ओवर 5 इंटू 100, पहले नहीं आपका पहले ईबीआईटी था, पहले आपका ईबीआईटी था, पहले आपका ईबीआईटी था फ्रेंड्स, पहले आपका ईबीआईटी था 2 लाख, अभी आपका ईबीआईटी हो गया शांति से करने का राइट, एंड 2 लैक्स इंटू 100, इसका मतलब परसेंटेज कितना आ जाएगा 3 लैक्स डिवाइडेड बाई 2 लैक्स इंटू 100 एंड कम्स टू 1। दिस पार्ट इज क्लियर हो से राधे राधे, जितना राधे राधे बोलोगे आपका काम हो जाएगा, सही है सुनो। अगर सेम क्वेश्चन में करूं बोलो यस और नो, ऑल्टरनेटिव सीखना है, कॉस्टिंग का एप्लीकेशन सीखना है, पहले ये वाला, ये सारे आपके पार्ट्स हो गए, ए फॉर ऑपरेटिंग लीवरेज, बी फॉर आपका फाइनेंशियल लीवरेज, सी फॉर कंबाइंड लीवरेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना आप कमेंट्स करके मुझे बताते जाएंगे उतना ही मुझे अच्छा रहेगा, उतना ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा करके ना, तो आप बराबर से मुझे बताइए। अब आपका लास्ट पार्ट आता है इसमें, अगर सपोज सेम क्वेश्चन में वो आपको बोलता है कि डू नॉट यूज फॉर्मूलाज, कौन सा फॉर्मूला उसको मालूम है, एफएम की ट्यूटर जो लेडी ट्यूटर है उसने क्या सिखाया होगा बच्चों को, एग्जामिनर को मालूम है उसने सिखाया होगा DOL इक्वल टू बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइडेड बाई EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, वो आपको बोलता है DOL निकालो बट डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला, आप DOL निकालिए लेकिन डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला। लास्ट पार्ट आपका चल रहा है, आप जरा देखिए एकदम शांति से, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग टीचर हैं, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है राइट, हमको आपको इस तरीके से सिखाना है कि आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो फ्रेंड्स, बहुत सारा आपको ऐसा आप इम्प्रेस हो जाओगे अभी, तो बोलोगे अरे सर का क्या घड़ी है, क्या गाड़ी है, क्या घर है, क्या बड़ी बड़ी बात, लेकिन क्या आप उससे पास हो गए, आपको पास होने के लिए आपका एक एक लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर मैं पेपर सेटर हूँ तो मेरा हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए और आप वॉमिटिंग करने लगो और बोलो कि जिसने ये पेपर सेट किया उसका बाप मर जाएगा करके ना, तब भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पेपर सेट करने का, मुझे मैं तो एक सेकंड में जज कर लूँगा कि कॉस्टिंग करके आए हो कि नहीं, फर्स्ट ग्रुप 2 साल पहले क्लियर कर लिया और FM बाकी है तो अभी आपको FM में पास नहीं होने दूंगा, पहले आप मेरे कॉस्टिंग को बराबर से रिवाइज करके आइए। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि डू नॉट यूज फॉर्मूला तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन है, बोलो BKC स्टूडेंट फटाक से बोलेगा, इट मीन्स हमारे पास होता है सेल्स, सेल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं BP MOS और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है सेल्स डिवाइडेड बाय MOS, ठीक है। आप देखो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 100%, आपका वेरिएबल प्राइस है 50, आपका P
पीवी रेशियो है अनदर 50। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो सेम इलस्ट्रेशन अपन जो कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 3, राइट। ये पेज नंबर 6.4, ये तो हम कर ही रहे हैं ना। सेल्स DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, सेल्स सेल्स डिवाइडेड बाय MOS, सेलिंग प्राइस आपका 100% है। अगर वेरिएबल प्राइस, डीकेसी स्टूडेंट, अगर वेरिएबल प्राइस 50% है तो पीवी रेशो क्या रहेगा आपका, बोलो। ये चार्ट याद है ना, चार्ट नंबर 1, और इसी से हम क्या रिकवर करते थे, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सपोज फिक्स कॉस्ट इज 0, प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट इज 0 एंड माय फिक्स कॉस्ट इज 10 लाख, बराबर। तो मेरा बीईपी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीईपी डीकेसी स्टूडेंट वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट 0, ये 10 लाख याद आ रहा है ना, चार्ट 1, दिस इज 10 लाख, पीवी रेशियो 50%, इसका मतलब बीईपी सेल्स 20 लाख। जो लोग नहीं डीकेसी फॉलो करते, जो लोग फॉर्मूला बाय हार्ट करते, उनको भी मैं हेल्प कर दूंगा, बीईपी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। व्हाट इज योर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 10 लाख, व्हाट इज द पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज 50 × 100 एंड दिस कम्स टू 20 लाख। अगर ये आपका 20 लाख है, आपका टोटल सेल्स 24 था, आपका MOS सेल्स क्या होगा, बोलो, MOS सेल्स क्या होगा, 4 लाख, और DOL क्या होता है, 4 लाख डिवाइडेड बाई 20, अब आ जाइए आप, ये 4 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख क्या प्रोपोर्शन आएगा, और ये 20 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख क्या प्रोपोर्शन आएगा, इट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 24 एंड दिस कम्स टू 0.16, ओके। तो 1, ये 1, अब ये देखिए 20 लाख डिवाइडेड बाई 24 इज 0.83, 0.83, 1 डिवाइडेड बाई 0.16, सो 1 डिवाइडेड बाई 0.166666 पूरा जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका होगा DOL। ये कौन कर पाएगा, ये DOL कौन कर पाएगा, ओनली डीकेसी स्टूडेंट। ये आप मुझे, ये वाला पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, तो हमारा तो हो गया था क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा में करना है तो आपको इस तरह से करना चाहिए। आर यू फॉलोइंग ऑन नॉट, एक एक पार्ट आपको क्लियर हो रहा है क्वेश्चन का या नहीं हो रहा है, आप मुझे वो बताइए। ईच एंड एवरी पार्ट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप प्लीज आप मुझे उतना बताइए। ये आपका था फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन 3, आपका जो लेटेस्ट ICI का मॉड्यूल आया है ये उसी में था करके ना, इलस्ट्रेशन 3 आपको दे रखा था, ICI का जो लेटेस्ट मॉड्यूल आया है उसी का था ये, ओके। अब आप आ जाइए, अब मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस कराता हूँ रिवर्स। यहाँ पे आपको DOL, DCL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वगैरह दे रखे हैं, और आपको रिवर्स जाके इनकम स्टेटमेंट बनाना है। पहले आप मुझे बताइए ये पार्ट आपको क्लियर हो रहा है, जो DKC स्टूडेंट है उनको याद आ रहा है ना ये वाला पार्ट, बोलो। करते थे ना अपन, दो पार्ट में करते थे डिवाइड, बीईपी निकालना है तो इसको क्या बोलते थे अपन, बोलो, चार्ट 1, ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो, चार्ट 1, से यस ऑर नो फ्रेंड्स, ऑलराइट, समझ में आ रहा है पक्का, नो कंफ्यूजन, चले आगे। अब अपन ले लेते हैं फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4,
एंड दिस इज योर पेज नंबर 6.6। डीकेसी ने जो आपको फॉर्मेट दिया है आईसीआई मॉड्यूल इन डीकेसी फॉर्मेट फॉर लेटेस्ट मॉड्यूल इन एफएम, सही या सुनो फ्रेंड्स? ऑल राइट, देखिए जरा ना, इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 6.6। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड ईजी कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। इक्विटी शेयर कैपिटल है उनके पास 10 is 50 lakhs, 12% बॉन्ड्स हैं 1037 lakhs, सेल्स है 84 lakhs, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 6.96, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज आपको दे रखा है, आपको इनकम स्टेटमेंट में काम आ जाएगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इनकम टैक्स एप्लीकेबल, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, अर्निंग पर शेयर, शो कैलकुलेशन अप टू 2 decimal। अपने को ऑपरेटिंग है और कंबाइंड है, वेरीफाई भी कर सकते हैं अपन ईच एंड एवरी पार्ट। सबसे पहले अपन क्या बना लेंगे फ्रेंड्स, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग इनकम। फॉर्मेट आपको एक ही याद रखना है, पहला सेल्स, ओके, देन वेरिएबल कॉस्ट आपको आ जाएगा कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, आपको आ जाएगा EBIT, इंटरेस्ट आपको आ जाएगा EBT, टैक्स आपको आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ओके। अर्निंग पर शेयर भी पूछा ना, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स आपका क्या बचेगा, EPS, सही है सुना। दिस इज ऑल फिगर इन रुपीज में, इंस्टीट्यूट ने किया है तो रुपीज में ही हम कर लेंगे उसको। ऑल राइट, तो सेल्स आपको दे रखा है फ्रेंड्स 84 लैक्स का, ठीक है। फिर आपको दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, 6.96, ठीक है। सेकेंड है आपका 12% बॉन्ड 1000 ई, सेल्स आपको 84, 6,96,000, ये आपका 6,96। देन PV रेशो 27.55, इट मीन्स अगर आपका सेल्स 84 लैक्स है, डीकेसी स्टूडेंट तो फटाक से बता देगा राइट, इसके दो पार्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, याद है डीकेसी स्टूडेंट, बोलो फटाफट। इट मीन्स 27.55 अगर ये है तो ये क्या होगा, बिकॉज ये क्या रहता है 100%, तो 100 minus 27.55, इट मीन्स 72.45 ऑफ 84 lakhs, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा 84 lakhs, ये आपका PV रेशो है, इट मीन्स 84 lakhs इंटू 72.45% विल बी 60,85,800, और ये आपका रहेगा 84 lakhs इंटू 27.55% 23,14,200 ये आपको क्लियर हुआ है। आपको सेल्स दे रखा है क्वेश्चन में,
आपको क्वेश्चन में सेल्स दे रखा था, बोलो 84 लाख, सेल्स आपका 100% 84 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 72.45 ऑफ 84 लाख, ये आपका आ गया। कंट्रीब्यूशन ये आपका आ गया और ये आपका आ गया। इज दिस क्लियर? इसका मतलब ये आपका हो गया वेरिएबल कॉस्ट और ये आपका हो गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑल राइट, अब आप आ जाइए वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट? इज 60, 85, 800, बराबर। कंट्रीब्यूशन 23, 14, 200, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ थी। तो आपका 23, 14, 200 - 6,96,000 आपका आ जाएगा 16,18,200, 16,18,200, सही है सर? यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑल राइट, बोलो। सही है सर, परफेक्ट। अब आप आ जाइए, अब आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, आपने कॉपी कर लिया ये? सेल्स आपको दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है, क्योंकि पीवी रेशियो दे रखा है 27.55%, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 72.45, बैलेंसिंग फिगर, बराबर। इज दिस क्लियर और नॉट? बोलो। ऑल राइट, अब आप आ जाइए दूसरा। अब अपन को क्या बोल रहे हैं वो जरा समझ लीजिए, क्योंकि एक बार आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बराबर। अब देखो, पहला आपको दे रखा है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है बोलो? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होता है ईवीआईटी अपॉन ईबीटी। व्हाट इज योर ईवीआईटी अपॉन ईबीटी? ईबीटी 16,18,200 और ये आपका आ रहा है 1.49, ओके। सो 16,18,200 डिवाइडेड बाई 1.49, दिस कम्स टू 1086,040, 10, इट मीन्स ये आ जाएगा राइट, ये आपको ढूंढना है। तो ये आएगा 10, 10, 86, 0, 4, 0, ओके। सो ईबीटी आपका रहेगा 10,86,040, बराबर। तो बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा इंटरेस्ट पोर्शन, है ना, -16,18,200, 532,159, 532,159 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 532,159। तो इसमें दो तरह के इंटरेस्ट हो जाएंगे, एक आपका 12% ऑन बॉन्ड्स है, 12% बॉन्ड्स कितने का है? 37 लाख। सो 37 लाख इंटू 12%, 37 लाख इंटू 12% इज 4,44,000 एंड बैलेंसिंग फिगर ये हो जाएगा लेस 532,159 इज 88,159,
ये आपका है ईबीटी, आपका रहा 1086040 राइट, माइनस 1618200, तो आएगा 532160 ओके, ऑलराइट। सो 532160 ऑलराइट, इसमें से आप निकाल दीजिए 88160 आपका कुछ अदर्स इंटरेस्ट का कॉस्ट है, वो अपने को डिटेल्स नहीं मालूम है, लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज से अपना आ जाए 1086040। अब आपको टैक्स रेट दे रखा है 40%, इट मींस 1086040 का 40% आप ले लीजिए 434416651624 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास 50 लैक्स, 50 लैक्स डिवाइडेड बाय एक है 10 रुपीस का ना, 10 रुपीस का, तो ये आपके आ जाएंगे फाइल एक इक्विटी शेयर्स। तो आपका ईपीएस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 लैक्स इज 1.30, सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप मेरे को पूछिए करके ना। इनकम स्टेटमेंट एक बार आ गया ना तो फिर काफी इजी हो जाएगा अपने वो करके ना, तो ये अपने को डीएफएल तो दे ही रखा था, DFL से अपन ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे इसी में कंटिन्यू, अपने से क्या क्या आंसर अपने को पूछ रहा है। पहला आंसर अपने से पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर वन ऑपरेटिंग लीवरेज, आंसर नंबर वन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इट मींस कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन 23 14 200 डिवाइडेड बाई वॉट इज द ई वी आई टी 16 18 200, सही है सुनो फ्रेंड्स, ओके सो 23 14 200 डिवाइडेड बाई 16 18 200 एंड दिस कम्स टू 1.43, ये आपका क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपका आंसर नंबर वन। आंसर नंबर टू आपसे पूछ रहा है कंबाइंड लीवरेज, इट मींस आंसर नंबर टू डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, इट मींस योर contribution divided by earning before tax, contribution है 23 14 200 divided by EBT है 10 86040,
14200 divided by 1086 00. It means this comes to 2.13. And if you want, you can verify the answer. Verification: degree of operating leverage into degree of financial leverage equal to degree of combined leverage. Degree of operating leverage is 1.43. Degree of financial leverage is 1.49. So 1.43 into 1.49, and this comes to 2.13. ये आपका हो गया आंसर नंबर टू. आर यू फॉलोइंग फ्रेंड्स? एंड आंसर नंबर थ्री आपसे पूछ रहा है ईपीएस, तो इसका ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल दिया था आंसर नंबर थ्री. अब आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, इज दिस क्लियर ऑन? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने यहाँ से ले लिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ से ले लिया, ये आ गया डी सी एल कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स, ये हो गया आपका, ये हो गया. इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी ये टैली होना चाहिए. दिस इज द वेरीफिकेशन. एंड लास्ट आंसर आपका है, लास्ट आंसर आपका है, बोलो, वेरीफिकेशन पार्ट. लास्ट आंसर आपका है वेरिफिकेशन पार्ट. ओके, हैप्पी? इफ यू आर हैप्पी तो राधे राधे लिखिए, राइट? राधे राधे लिखिए. ओके फ्रेंड्स, ऑल राइट.